dear students, in this lecture we will discuss about the factors affecting uh, CFSE value, delta O value को कौन से factors affect करते हैं, इसको हम इस lecture में पढ़ेंगे, delta O value जो है that is आपने देखा ये क्या है crystal field stabilization energy of octahedral कॉम्प्लेक्सेस तो इससे पहले लेक्चर में हमने उसको कैलकुलेट करना सीखा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डेल्टा ओ को अफेक्ट करते हैं कैसे कोई कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन हो जाता है और कोई कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वो डिपेंड करता है डेल्टा ओ के ऊपर और डेल्टा ओ डिपेंड करती है सेवरल फैक्टर्स के ऊपर वो कौन से फैक्टर्स हैं इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो दो फैक्टर्स मेन हैं एक तो है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन और नेचर ऑफ लिगेंड ये सेकेंड फैक्टर है और थर्ड फैक्टर जो है वो है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस तो पहला हम फैक्टर लेते हुए चल रहे हैं जो अफेक्ट करता है डेल्टा ओ को वो है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और एटम वो आयन की फॉर्म में भी हो सकता है एटम की फॉर्म में भी हो सकता है उसके नेचर अफेक्ट करता है और वो जो नेचर है वो भी कई तरीके से अफेक्ट कर सकता है तो इसमें जो पहला जो फैक्टर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन तो अगर देखे, तरे तरे हम देखें तीन सीरीज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की होती है एक थ्री सीरीज होती है एक फोर सीरीज होती है एक फाइव सीरीज होती है

फोर डी सीरीज का कॉम्प्लेक्स है और ये फाइव डी सीरीज का कॉम्प्लेक्स है तो आप ये देख सकते हैं कि आप देखिए यहां को हम जब जा रहे हैं थ्री डी से फोर डी फोर डी से फाइव डी देन यू विल फाइंड कि जो ओ की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है देखिए यहां ट्वेंटी फोर थाउजेंड है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड है 21,000 वन थाउजेंड सेंटीमीटर इनवर्स तो ये थ्री डी से फोर डी में जा रहे हैं फाइव डी में जा रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रही है सो एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेज दी एफ एस सी विल ऑल्सो इंक्रीज द डेल्टा ओ वैल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज़। यहां पर आप देख सकते हैं लिगेंड्स तो सेम है बट मेटल्स आर डिफरेंट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो सेम ओनली द डिफरेंस इज द मेटल्स आर डिफरेंट दे आर फ्रॉम डिफरेंट दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से वो होते हैं अलग अलग मेटल्स है इसमें बट लिगन सेम है और उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल के ऊपर दैट इज ऑल्सो सेम सो लाइक वाइज यू विल फाइंड दिस इज आयरन आयरन के बाद ये फोर डी सीरीज का मेंबर है ये फाइव डी सीरीज का मेंबर है तो यू विल फाइंड ये जैसे हम थ्री डी से फोर डी फोर डी से फाइव डी की ओर जाएंगे द डेल्टा ओ वैल्यू विल इनक्रीज और यहां पर आप देख रहे हैं अगेन लिगेन्ट्स आर सेम एट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज ऑल्सो सेम बट द डिफरेंस इज दैट द मेटल सेंटर्स आर फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज ये डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज से ऐसा क्यों होता है डेल्टा ओ की वैल्यू इंक्रीज होती है अब देखिए ये थ्री डी सीरीज फोर डी सीरीज फाइव डी सी जब हम थ्री डी से फाइव डी सीज की ओर जाते हैं तो क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इंक्रीज होता है और जैसे जैसे ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स एफ ऑर्बिटल्स के शील्डिंग इफेक्ट के पुअर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज एंड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बेटर इंटरेक्शन विल टेक्स प्लेस बिटवीन मेटल एंड आयन एंड लिकेन तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा सेंट्रल मेटल एटम का और आयन का जो सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 3d, 4d फोर डी एंड फाइव सीरीज में अगर उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो अधिक होगा तो इंटरेक्शन क्या होगा सेंट्रल मेटल एटम का लिगेंड के साथ बेटर होगा और अगर इंटरेक्शन बेटर होगा तो आप देखेंगे कि लिगेंड एक्सर्ट्स स्ट्रांगर क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट ऑन डी इलेक्ट्रॉन तो इसकी वजह से क्या होगा जो लिगेंट है ये बढ़ेगा देखिए सब जो लिगेंट जो क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट जो जनरेट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा बढ़ेगा और जैसे जैसे ये लिगेंट फील्ड इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ इंक्रीज होगा भाई जो स्प्लिटिंग है वो जितनी अधिक होगी स्प्लिटिंग किसकी हो रही है स्प्लिटिंग हो रही है आपने पढ़ा है स्प्लिटिंग किसके बीच में हो रही है डी ऑर्बिटल्स की हो रही है टी टू जी एंड ई जी तो ये जो स्प्लिटिंग है वो जितनी अधिक होगी उतना डेल्टा ओ की वैल्यू अधिक होगी ये अधिक क्यों होगी जितना अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी मेटल और लिगेंड के बीच में उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतना ज्यादा लिगेंड नजदीक आएगा मेटल के डी ऑर्बिटल के और जितना नजदीक आएगा उतना क्या हो उतना होगा उतना रिपल्शन होगा उतना रिपल्शन होगा तो उतनी अधिक क्या होगी स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल्स की तो ये क्रिस्टल फील्ड जो इफेक्ट जो स्प्लिटिंग है वो बढ़ेगी तो डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी बढ़ जाएगी तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं जैसे जैसे मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है अगर वो स्ट्रांगर होता जाए तो डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी बढ़ती जाएगी और डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब है स्प्लिटिंग क्या हो रही है वो अधिक हो रही है दूसरा जो फैक्टर है मेटल का जो नेचर है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरा फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन हायर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ क्यों होगा ऐसा जितनी अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यानी पॉजिटिव चार्ज है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अधिक वो किसको अट्रैक्ट करेगा एनाइनिक लिगेंड को और डाइपोलर लिगेंड को तो जितना पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर होगा उतना वो लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा और जितना अट्रैक्ट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना ज्यादा स्प्लिटिंग क्योंकि उतना अधिक क्या होगा रिपल्शन होगा एंड डेल्टा ओ वैल्यू विल इंक्रीज सो दीज आर यू विल फाइन क्या आपको मिलेगा कि ये देखिए ये आयरन है यहां पर आप देखिए लिगेंड एक से मेटल एक्सा है बट द ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरेंट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है डिफरेंट है यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है तो आप देख रहे हैं जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी वहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी हायर एज कम्पेयर टू दोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंटर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्शन टू द लिगेंड जितना अट्रैक्शन उतना ज्यादा रिपल्शन और रिपल्शन जितना ज्यादा उतना ज्यादा डेल्टा ओ की वैल्यू यहां पर आप देखिए एम एन एम एन दोनों सेंटर एक से है ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है और ये जो लिगेंड है दे आर ऑल्सो सेम सो so जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगा उसकी जो डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी हायर होगी लाइकवाइज वाइज अनेदर एग्जाम्पल कोबॉल्ट का हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर देखिए कोबॉल्ट की टू चार्ज है यहाँ पर थ्री चार्ज है तो इसकी सी uh, एफ एस सी ज्यादा होगी इसकी सी एफ एस सी कम होगी अगेन आप देख सकते हैं वी अब एक ये जो डिफरेंट एक uh, लिया है जो एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं मेटल सेंटर तो अलग अलग है लिगेंड एक है बट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो डिफरेंट तो दो डिफरेंट चीजें हैं इसमें एक तो मेटल आयन और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहां पर कौन भारी होगा अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर पावरफुल और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है वेनेडियम की प्लस टू है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर अधिक है सो इट विल अट्रैक्ट लिगेंड मोर विद मोर पावर एज कंपेयर टू दिस वी टू प्लस जितना अट्रैक्शन होगा उतना अधिक क्या होगा रिपल्शन और जितना अधिक रिपल्शन उतनी हायर डेल्टा ओ की वैल्यू तो यहां पर भी आप देखेंगे डिफरेंट मेटल सेंटर होने के बावजूद जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिस मेटल सेंटर में अधिक होगी उसकी डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी हायर होगी जो सेकेंड फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिगेंड दूसरा फैक्टर क्या है जो डेल्टा ओ को इफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ लिगेंड सो अब नेचर ऑफ लिकेंट के लिए आपने देखा मैंने एक आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी और उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बताया था कि जो लिगेंट्स कहाँ होते हैं टॉप पोजीशन पर होते हैं वो कैसे होते हैं स्ट्रोंगर लिगेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंट्स होते हैं उनके पास क्या होता है उनके पास एमटी एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है आई विल अगेन शो यू the स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फर्स्ट अगेन यू कैन सी दैक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो हैलाइट हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है फिर ऑक्सीजन की है फिर नाइट्रोजन की है फिर कार्बन की है तो ये सीरीज आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब, जब कार्बन की ओर अगर हम जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो लिगेंड है दे आर पाई एक्सेप्टर लिगेंड कार्बोनिल का आपने इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा होगा और वहां आपने पढ़ा होगा कि इसके पास क्या होते हैं इट हैज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इसके पास क्या होते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी वजह से ये अपने एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि पाई ऑर्बिटल है सो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सेंटर यहां आप देखिए ये जो है ये सिग्मा डोनर के वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये ये वीक लिगेंड कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं स्ट्रोंग लिगेंड तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जहां पर आप देखेंगे अधिकतर केसेस में जहां पर कार्बन डोनर एटम होगा वहां पर जो लिगेंड्स होंगे वो स्ट्रांग होंगे और ये जो हैलाइट हैं वो वीक लिगेंड होंगे तो जो स्ट्रांग लिगेंड होते हैं वो स्प्लिटिंग अधिक करते हैं वीक लिगेंड कम करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की टेंडेंसी क्या होती है एक्चुअली पाई बॉन्डिंग की होती है तो वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ मेटल के साथ और जितना स्ट्रांग बॉन्ड उतना अट्रैक्शन उतना ज्यादा रिपल्शन और जितना रिपल्शन उतनी क्या होगी डेल्टा ओ की वैल्यू अधिक होगी तो अब आप यहां देख सकते हैं देखिए एक लिगेंड है H2O दूसरा लिगेंड है एनएस तीसरा लिगेंड है इथैलीन डायमेंड तो आप देखिए यहां पर कोबॉल्ट सेंटर है सब में मेटल मेटलिस्ट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो सेम बट द डिफरेंस इज द डिफरेंस इन देश ऑफ लिगेंड तो यहाँ अगर आप देखें तो ये लिगेंड ये कैसा है स्ट्रांगर देन एन एच थ्री एंड एनएच थ्री इज स्ट्रांगर देन एच टू तो आप देखेंगे जैसे जैसे लिगेंड स्ट्रांगर होते जाते हैं वैसे वैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लीटिंग क्या होगी बढ़ेगी और ये एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बढ़ जाएगी एक अनेतर दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं निकिल देखिये सब में निकिल है सब में टू पॉजिटिव चार्ज है बट द लिगेंट्स आर डिफरेंट सो एज वी गो फ्रॉम प्रोमिन टू इथैलियन डायमिन वी विल फाइंड द स्ट्रांगर नेचर ऑफ दिस ई एन सो दैट इट्स सी एफ एस सी विल बी हाएस्ट अमंग दिस सीरीज द थर्ड फैक्टर इज द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स जो तीसरा जो फैक्टर है वो है कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री मतलब नंबर ऑफ लिगेंट्स क्योंकि ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ लीगेंट्स पर डिपेंड करती है तो यहां पर आप देखेंगे मेटल सेम हो सकता है लिगेंड सेम होगा लेकिन उनकी ज्योमेट्री अगर अलग अलग है तो आप देखेंगे कि उनकी जो डेल्टा की वैल्यू है अब हम डेल्टा वो तो नहीं कहेंगे हम कहेंगे कि जो सी एफ एस सी की वैल्यू क्या होती है डिफरेंट होती है जैसे यहां पर आपको मैंने देखा है डेल्टा फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स

डेल्टा ओ है और ये पॉइंट फोर फाइव डेल्टा ओ है तो आप डेल्टा ओ के कंपैरिजन में भी देख सकते हैं कि डेल्टा टी की वैल्यू सबसे कम है फिर डेल्टा ओ है फिर वन जो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की डेल्टा ओ है वो है तो सबसे ज्यादा किसकी है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की तो ये ज्योमेट्री जो पर डिपेंड कर रही है कि जो CFA सी एफ है वो किसकी सबसे अधिक हो तो ऐसा क्यों होता है उसको हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कितने लिगेंड्स हैं छह लिगेंड्स कितने लिगेंड्स होते हैं छह छिगेंट तो जितने लिगेंट उतना ज्यादा क्या होगा फील्ड स्ट्रेंथ और जितना ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगा उतनी अधिक क्या होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी तो नंबर ऑफ लिगेंड्स में तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो जो डेल्टा ओ है वो टेट्रा से कम कैसे है तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन देखें तो यहां पर सिक्स लिगेंडे हैं और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चार लिगेंड है यहां पर लेस फील्ड स्ट्रेंथ होती है और सिक्स लिगेंड्स में अधिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से यानी स्ट्रांग फील्ड ठीक है तो इसका मतलब डेल्टा अधिक होगी इसकी डेल्टा वो क्या होगी कम होगी टू द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे अगेन दे आर आर फोर लिगेंड फोर लिगेंड होने की वजह से फील्ड स्टेंस शुड बी लेस लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम थ्री डी मेटल्स को देखें स्पेशली फॉर डी एड कन्फिग्रेशन यहां पर स्ट्रांग लिगेंड काम करते हैं तो अगर लिगेंड बहुत स्ट्रांग होंगे तभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा अगर लिगेंड स्ट्रांग नहीं होंगे तब क्या बनेगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा अगर चार लिगेंड होंगे समझ गए तो जब ये थ्री डी मेटल डी स्पेशली फॉर डी कॉन्फ़िगरेशन कन्फिग्रेशन यानी निकिल टू प्लस की बात हम कर रहे हैं तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तब बनाएगा जब लिगेंड्स बहुत स्ट्रांग होंगे और अगर स्ट्रांग लिगेंड होगा तो ऑटोमेटिकली स्प्लिटिंग बहुत अधिक होगी और अगर हम 4d और 5d सीरीज की बात करें स्पेशली फॉर d8 मेटल्स तो 4d और 5d में क्या होता है हमेशा यू नो दैट डेल्टा ओ हमेशा क्या होती है बहुत हाई होती है तो चाहे वीक लिगेंड ले या स्ट्रांग लिगेंड ले डेल्टा ओ हमेशा बहुत हाई होती है इसलिए ये क्या बनाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं अगर चार लिगेंड होंगे तो तो अगर प्लेटिनम या पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स होगा और लिगेंड चार होंगे तो वो हमेशा क्या बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बिकॉज इन केस ऑफ फोर डी एंड फाइव डी मेटल्स डेल्टा ओ इज ऑलवेज वेरी हाई हमेशा हाई होती है और अगर हम थ्री डी सीरीज को देखें तो अगर सी एन टाइप के लिगेंट्स होंगे तो वो हमेशा क्या बनाएगा अगर चार लिगेंड होंगे देन इट विल फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तभी क्या बनाएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे ये इनकी डेल्टा हो क्या होगी हमेशा अधिक होगी क्योंकि ये स्ट्रांग लिगेंड के साथ ही फॉर्म होते हैं तो इसलिए ये क्या होगा वेरी स्ट्रांग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की डेल्टा वो हमेशा अधिक होती है क्योंकि ये चार लिगेंड के दो आपने केस देखे या तो वो टेट्राइट होगा या वो ऑक्टा या वो स्क्वायर प्लेनर होगा अगर वो टेट्राइटल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी एस पी थ्री अगर वो स्क्वायर प्लेनर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन विल डी एसपी टू डी ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेटिंग इट मीन्स पेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कौन करता है स्ट्रांग लिगेंड्स क्योंकि उन्होंने क्या किया डी ऑर्बिटल को वैकेंट कर दिया तो इसलिए ये बहुत स्ट्रांग लिगेंड के साथ होता है इसलिए डेल्टाओ बहुत हाई होगी और फोर डी और फाइव डी के, के केस में हमेशा डेल्टाओ इज हायर सो स्क्वायर प्लेयर कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लीटिंग है वो सबसे अधिक होती है फिर ऑक्टाहीट्रल की होती है ड्यू टू सिक्स लिगेंस देन टेट्राहीट्रल की होती है बिकॉज टेट्राहीट्रल कॉम्प्लेक्सेस दे फॉर्म ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इसीलिए वो हमेशा क्या बनाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि उनकी डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत कम होती है सबसे कम होती है सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ वैल्यू ये ये Uh, इसमें आपने क्या पढ़ा इसको अगर हम कंक्लूड करें तो आपने इसमें पढ़ा कि कौन से फैक्टर हैं देर आर थ्री मेन फैक्टर्स वन इज नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन सेकेंड इज नेचर ऑफ लिगेन एंड थर्ड इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स और uh, जो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन है उसमें आपने दो मेन जो नेचर है वो पढ़े एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा पड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा हो तो क्रिस्टल फील्ड इन ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रोंगर बॉन्डिंग और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा हो हाई हो तो फिर स्प्लिटिंग विल बी हायर क्योंकि बॉन्डिंग विल बी स्ट्रांगर देन नेचर ऑफ लिगेंड में आपने देखा कि जो स्ट्रांग लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ऊपर होते हैं वो लिगेंड्स दे फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्सेस विद हायर सी एफ एस सी वैल्यू और तीसरा जो हमने फैक्टर पढ़ा वो पढ़ा ज्योमेट्री का जिसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स आपने देखे अगर छह लिगेंड होंगे तो uh, फिर फील्ड स्ट्रेंथ अधिक होगी डेल्टा ओ वैल्यू विल बी हायर अगर दो चार लिगेंड होंगे तो आपने देखा स्क्वायर प्लेनर की जो डेल्टा ओ की वैल्यू थी वो सबसे अधिक थी क्यों थी क्योंकि वहां पर बहुत स्ट्रांग लिगेंड्स काम करते हैं और अगर फोर और फाइव सीरीज हो तो वहां पर हमेशा डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होती है हाई होती है इसलिए आप ये देखेंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के केस में सबसे अधिक सी एफ एस होगी देन ऑक्टा देन टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है जो लिगेंड्स होते हैं वो जनरली वीक होते हैं इसलिए डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होती है लोएस्ट होती है सो दैट दे विल फॉर्म ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो एक बात आपको याद रखनी है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा हाई स्पिन होते हैं और जो 4d और 5d मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं टेट्राहेड्रल हमेशा हाई स्पिन और जो 4d और 5d सीरीज के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच